दोस्तों इंडिया और न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच में एजाज पटेल, न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने वो कारनामा कर दिया जो अभी तक भारत के अनिल कुंबले और इंग्लैंड के जिम लेकर ने किया था। जी हां दोस्तों, 10 विकेट अपने नाम किए हैं एजाज पटेल ने। भारत के 10 विकेट पहली पारी के एजाज पटेल ने हासिल किए और इसी के साथ एजाज पटेल ने अनिल कुंबले और जिम लेकर की बराबरी कर ली और तीसरे गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के जिन्होंने टेस्ट की एक ही पारी में 10 विकेट हासिल किए हैं। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के वो गेंदबाज हैं जिनका ताल्लुक मुंबई से ही है। जी हां दोस्तों, मुंबई 1988 में एजाज पटेल का जन्म मुंबई में हुआ था और जब वो 8 साल के थे तो उनका परिवार न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गया जिसके बाद उनका चयन न्यूजीलैंड की टीम में हुआ और न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से ही खेलते हुए आज इंडिया मूल के खिलाड़ी ने इंडिया के खिलाफ खेलते हुए ही 10 विकेट हासिल किए और दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए एक पारी में 10 विकेट लेने वाले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एजाज पटेल के लिए। आपको बता दें कि एजाज पटेल के अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर सका, लेकिन एजाज पटेल ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया और एक के बाद एक विकेट लेते गए और मोहम्मद सिराज का लास्ट विकेट लेते के साथ ही 10 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। एजाज पटेल ने अपने इस पूरे स्पेल में 119 रन दिए और 10 विकेट हासिल किए। इसके अलावा अगर बात करें अनिल कुंबले की, तो अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ ये कारनामा अंजाम दिया था जिन्होंने 1999 में, जिसमें उन्होंने 74 रन देकर पाकिस्तान के 10 विकेट हासिल किए थे अनिल कुंबले ने। और इसके अलावा इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 53 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे। तो ये तीन गेंदबाज हैं जो अकेले 10 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं और एजाज पटेल इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों खास बात इस रिकॉर्ड की यह है कि ये रिकॉर्ड बनाने वाले तीनों ही गेंदबाज स्पिनर हैं। एजाज पटेल की इस घातक गेंदबाजी की वजह से ही टीम इंडिया पहली पारी में 325 रन पर ऑल आउट हो गई। हालांकि मयंक अग्रवाल ने शानदार 150 रन की पारी खेली। अब देखते हैं कि टीम इंडिया आगे कैसी परफॉर्मेंस करती है और टीम इंडिया की गेंदबाजी किस तरीके की रहती है।